Okay, so next topic is compression and consolidation of soil. Consolidation is nothing, removal of air, and consolidation have two primary and secondary steps. Primary step mein kya hota hai? Removal of air and pore water, and secondary step mein hota hai ki plastic readjustment hoti hai aapki soil ki. Theek hai? So compression mein kya hota hai? Removal of air. Theek hai? And इसके दो पार्ट होते हैं. पहला प्राइमरी कंसोलिडेशन, दूसरा सेकेंडरी कंसोलिडेशन. ठीक है ना. प्राइमरी कंसोलिडेशन में रिमूवल ऑफ एयर एंड पोर वाटर. Pore water, ठीक है, removal of air and pore water, and secondary consolidation में plastic readjustment of soil, ठीक है. अब मैं ये क्या बोल रही हूँ ये सुनो, समझो. Compression and consolidation. कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है. कंप्रेशन कंसोलिडेशन होती कब है? जब आप सॉइल के ऊपर कोई मैकेनिकल लोड लगाते हो. कैसा? मैकेनिकल लोड. ओके, मैकेनिकल लोड अप्लाई करोगे तो कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन दो प्रोसेस होती हैं. अब इन दोनों प्रोसेस में क्या है कि व्हेन जब आप मैकेनिकल लोड अप्लाई कर दो किसी भी सॉइल पर, तो रिमूवल ओनली रिमूवल ऑफ एयर हो, मतलब उसके अंदर जो वॉइड थे वो एयर से भरे और एयर खाली हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कंप्रेशन कहेंगे. कंप्रेशन जो होता है बहुत मतलब फास्टर प्रोसेस है देन कंसोलिडेशन, ठीक है. फास्टर प्रोसेस है देन कंसोलिडेशन, एंड इसमें जस्ट आप एयर को रिमूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग लोड, ठीक है. आप जब लोड लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो सॉइल के वॉइड्स होंगे उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होगी वो रिलीज होगी, और जब वो रिलीज होगी तो सॉइल आपकी कॉम्पैक्ट होगी और उसी को ही हम कंप्रेशन कहते हैं. नाउ द इन द सेकेंड हैंड कंसोलिडेशन. अब कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन इज स्लोअर प्रोसेस, स्लोअर, और आप बोल सकते हो स्लोअर और बोल सकते हो टाइम टेकन प्रोसेस, ठीक है. कंसोलिडेशन इज स्लोअर एंड टाइम टेकन प्रोसेस. कंसोलिडेशन के दो स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन. प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो रिमूवल ऑफ एयर एंड पोर वाटर, एयर के साथ साथ पोर वाटर भी रिमूव होता है, ठीक है. एयर के साथ साथ पोर वाटर भी रिमूव होता है, और सेकेंडरी में जो सॉइल आपकी फाइन सॉइल होती है ये उसका उसमें प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है, ठीक है. प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है. उसके जो सॉइल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं जब एयर एंड पोर वाटर रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सॉइल. नाउ अब ये जो दो प्रोसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और दूसरी बात कि अब आप देखो कि कंसोलिडेशन ओके, ये जो कंसोलिडेशन है ये फास्ट होता है ऐसे सॉइल में फास्ट होता है जिसके जो वॉइड है जिसमें वो लेस हो. ऑब्वियसली बात है जिसमें वॉइड लेस होगा तो उसमें जल्दी सेटलमेंट होगी. तो जिसमें वॉइड क्या हो, लेस हो, और वॉइड लेस किसमें होते हैं? कोर्स सॉइल में, ठीक है. कोर्स सॉइल में वॉइड लेस होते हैं, ठीक है. और ये स्लो किसमें है? ये स्लो है जिसमें वॉइड क्या है, ज्यादा है. तो वॉइड क्या है? मोर है. और ये किसमें होते हैं? ये होते हैं फाइन सॉइल पार्टिकल्स में. आपको ये जो है बहुत स्लो रेट में मिलेगा. बिकॉज देखो स्लोअर में जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स जिसमें क्ले एंड सिल्ट आता है इसमें प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है सॉइल का, ठीक है. प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट होता है सॉइल का. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली
जब आप कंप्रेशन एंड कंसोलिडेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको टू टाइप्स के सॉइल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज ओवर कंसोलिडेटेड एंड नॉर्मल कंसोलिडेटेड. ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड, दूसरी है नॉर्मल कंसोलिडेटेड. अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको. ओवर कंसोलिडेटेड, देखो कोई एक सॉइल है उसके ऊपर आपने कभी इफेक्टिव स्ट्रेस लगाया. अगर इफेक्टिव स्ट्रेस मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बार से. और इफेक्टिव स्ट्रेस होता है क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. टोटल को हम इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, माइनस पोर वाटर प्रेशर. ठीक है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं. नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस, सपोज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ऐसी है कि एक सॉइल ऐसी है जिसमें आपने कभी 100 किलो न्यूटन का इफेक्टिव स्ट्रेस लगाया होगा. ठीक है, 100 किलो न्यूटन का इफेक्टिव स्ट्रेस लगाया. अब दोबारा से उसके ऊपर दोबारा से, मतलब पहले लगाया, मतलब कोई बिल्डिंग बनाई जो 100 किलो न्यूटन की थी, अब बिल्डिंग तोड़ के दोबारा से बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसके ऊपर अब लोड जो लग रहा है वो 80 किलो न्यूटन का है. इसका मतलब आपके पास आपकी जो सॉइल थी पहले 100 किलोमीटर का लोड ले चुकी है, अब उसको 80 किलोमीटर का लोड दे रहे हो, तो वो सॉइल क्या होगी, ओवर कंसोलिडेटेड. ठीक है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड ऐसी सॉइल होती है जो फर्स्ट टाइम लोडेड होगी, फर्स्ट टाइम लोडेड. ठीक है, फर्स्ट टाइम लोडेड है. ठीक है, यानी आप किसी फ्रेश ग्राउंड पर कोई बिल्डिंग बना रहे हो जिसकी 50 किलोमीटर पर टेबल वेट वाली बिल्डिंग बन रही है, यानी उसके ऊपर इतने का लोड लग रहा है. ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कोई एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर 100 किलो न्यूटन पहले से लग रहा है, तो अब आप उस पर 200 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो. ओके, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल. ठीक है, अब इफेक्टिव स्ट्रेस आपको मैंने बता दिया. नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वॉइड रेशियो. ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वॉइड रेशियो के बिटवीन ग्राफ बनता है. लेट ड्रॉ द ग्राफ. देखो इफेक्टिव, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ले देती हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस यानी सिग्मा बार वर्सेस वॉइड रेशियो. ठीक है, सिग्मा बार वर्सेस वॉइड रेशियो ई. अब इसका मैं ग्राफ बनाती हूँ. ठीक है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका कहाँ रहेगा, वो आपका यहाँ रहेगा. ओके, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे जीरो, और फिर यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वॉइड रेशियो ई. ओके, देखो अभी बात कर रही हूँ मैं नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल की. ठीक है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल की. ओके, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल की है तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल में पहले वॉइड क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी कंसोलिडेटेड नहीं हुए तो वॉइड उसमें पूरे पूरे आपको मिलेंगे. लेकिन जैसे ही आप उस पर लोड लगाते हो, ऑब्वियसली बात है किसी भी सॉइल पर जैसे ही लोड लगाओगे यानी इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाओगे, आप इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाओगे तो वॉइड क्या होंगे, कम होंगे. तो इसका जो ग्राफ नॉर्मल कंसोलिडेशन का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा. ओके, नॉर्मल कंसोलिडेशन का ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसको आप वर्जिन ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, वर्जिन ग्राफ बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लगा हुआ है तो उसे वर्जिन कंसोलिडेशन कंप्रेशन वर्जिन कंप्रेशन ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, ये बना आपका नॉर्मल कंसोलिडेशन का ग्राफ. अब मैं इससे मेरे पास एक कॉफिशेंट आता है, कॉफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, कॉफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होता है, कॉफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम कॉफिशेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सीवी के ए बड़ा डाल देती हूँ, ए वी से डिनोट करते हैं. ओके, कंप्रेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को ए वी से डिनोट करते हैं. होता क्या है, माइनस डेल्टा ई अपॉन में माइनस वो डेल्टा इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, अब माइनस क्यों लगा है, माइनस इसलिए लगा है बिकॉज मतलब डिफरेंस लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमको ये ले लेंगे. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया ई नॉट, इसको ई नॉट मान लेते हैं, इसे ई वन मान लेते हैं. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपका वॉइड वो मिलेगा आपको ई नॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया नॉट. ठीक है, और यहाँ पे वन. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, बिकॉज ई नॉट वैल्यू बड़ी है. ठीक है, हम माइनस करेंगे किसमें, ई वन माइनस ई नॉट और सिग्मा वन माइनस सिग्मा नॉट. ठीक है, तो ये डेल्टा क्या होगा, ई वन माइनस ई नॉट और सिग्मा
सिग्मा वन माइनस सिग्मा नॉट, तो ये अब ऐसी बात है कि ये जो ई नॉट है वो बड़ी होगी वैल्यू, इसलिए ये माइनस साइन शो करेगा, ठीक है, इसलिए ये माइनस साइन शो करेगा। ओके नाउ ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि अभी जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड, ठीक है, तो उसको हम एक और तरीके से बात कर सकते हैं कि प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस, बात इफेक्टिव स्ट्रेस लग रहा है, ये जो 100 किलो न्यूटन का मैंने आपको स्ट्रेस बताया था वो क्या था, इफेक्टिव था, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल कंसोलिडेशन में क्या है, पहले कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस लेस है अभी जो प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस से, ठीक है। पास्ट यानी जो पहले कभी लगा था इफेक्टिव स्ट्रेस वो क्या है, लेस है प्रेजेंट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ओवर की बात कर लूँ तो ओवर में क्या है, पास्ट में ज़्यादा लगा था, ठीक है, और प्रेजेंट में कम हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में कम हो रहा है। नाउ यही जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वर्ड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है, वर्ड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का, जब हम इसको लॉग में लेते हैं तब क्या मिलता है हमें, देखो लॉग में लेंगे तो होगा सेम यही होगा कि वर्ड क्या है, कम होते जाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा। तो लेकिन जब हम लॉग की बात करते हैं तो ये जो कर्व था, मैंने यहाँ पे ऐसे कर्व बनाया था, ये कर्व न रहकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यहाँ से आप कोई इवेंट की वैल्यू ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ओके, इस तरीके का कर्व आएगा, ठीक है। जब आपके पास इस तरीके का कर्व आएगा तो इससे आपको क्या मिलेगा, कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, कंप्रेशन इंडेक्स जिसको हम सीसी बोलते हैं, ये अगेन क्या होगा, ई डेल्टा ई और लॉग सिग्मा वन डिवाइडेड बाय सिग्मा टू, या माइनस करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव ही होगा। अब यहाँ देखो सिग्मा वन जो है, ये जो सिग्मा वन है यानी सिग्मा वन बार, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ई नॉट, ठीक है, यहाँ से देखो ई नॉट प्लस में ये डिस्टेंस, ये क्या है, डेल्टा सिग्मा, डेल्टा इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल्टा मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये प्लस ये कहाँ पहुंचेंगे, हम यहाँ पहुंचेंगे यहाँ से, ठीक है, ये इनिशियल जीरो है ना, जीरो प्लस दिस इफेक्टिव वन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट अपॉन में सिग्मा नॉट दिस, ठीक है, सिर्फ ये ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, ओके। बेसिकली कंप्रेशन इंडेक्स जो है वो वैरी करता है 0.1 टू 0.8, ठीक है, इसके बीच में वैरी करता है, ओके। कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब उतना ही आपका सॉइल क्या है, कंप्रेसिबल है, ठीक है, वही तो हम निकाल रहे हैं कंप्रेशन इंडेक्स। अभी जो मैंने दो ग्राफ बनाए थे वो नॉर्मल कंसोलिडेशन के लिए थे, अगर मैं ओवर कंसोलिडेशन की बात करूं, ओवर कंसोलिडेशन, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है, इसका ग्राफ अगर बनाना है मुझे वर्ल्ड रेशो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ वर्ल्ड रेशो होगा और यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, ओके। तो ये जब बनेगा तो वहाँ पे देखो आपका जो नॉर्मल कंसोलिडेशन सॉइल था उसमें क्या बना था, लाइक दिस, ठीक है, कनकेव, बट यहाँ जो बनेगा दिस विल लाइक दिस कॉन्वेक्स, ओके, दिस इज कॉन्वेक्स, तो इसका यहाँ पे बनेगा कॉन्वेक्स, ओके, कॉन्वेक्स बनेगा, ये होगा ई नॉट और ये होगा ई वन, यहाँ से एक वैल्यू ले लो, ये सिग्मा वन और ये हो गया आपका सिग्मा नॉट, ओके। तो अब इनका जो कॉफिशेंट होगा वो कॉफिशेंट कहलाएगा कॉफिशेंट ऑफ रिकम्प्रेशन, क्या कहलाएगा, कॉफिशेंट ऑफ रिकम्प्रेशन, ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्री कंप्रेशन, इसको हम सी आर में लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्री कंप्रेशन जो होता है बिल्कुल सेम रहता है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिकम्प्रेशन है वो 1/5 to 1/10 टाइम्स रहेगा, किसका, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का 1/5 to 1/10 टाइम्स इसको रहना है, ओके ना। अब दोनों ग्राफ को एक साथ बनाते हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ बनाते हैं, मतलब कंसोलिडेशन ओवर कंसोलिडेटेड का और नॉर्मल कंसोलिडेटेड का एक साथ बनाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखो दिस इज व्हाट वॉइड रेशियो एंड दिस इज व्हाट इफेक्टिव स्ट्रेस, ओके दिस इज व्हाट वॉइड रेशियो एंड दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस। नाउ ये जो दोनों का है वो जो पहला ग्राफ था जो अभी मैंने रिकम्प्रेशन बताया था उसमें ये लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस का लॉग था, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का लॉग था, बस ये याद रखना, तभी वो 1/5 to 1/10 सीसी का होगा क्योंकि सीसी में जो लॉगरिथम स्केल यूज हुआ था, ओके लॉगरिथम स्केल यूज हुआ था। नाउ अब ये मुझे बनाना है ओवर कंसोलिडेटेड और नॉर्मल कंसोलिडेटेड का, ठीक है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड का। तो सपोज करो आपके पास कोई सॉइल है, ठीक है, उस पर क्या लग रहा है, पहले तो कोई सॉइल है जिस पर 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ था, ठीक है, 100 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ था पहले से, इफेक्टिव स्ट्रेस, पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस इसका क्या है, 100 किलो न्यूटन, लेकिन अब जो प्रेजेंट में हम लगा रहे हैं वो 200 किलो न्यूटन का इफेक्टिव स्ट्रेस हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, 200 किलो न्यूटन का इफेक्टिव स्ट्रेस हम इसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेस था तो कुछ जितना भी पास्ट में, मतलब पहले 100 किलो न्यूटन पहले से लग चुका है, अब 200 दे रहे हैं, बात बस हम 200 की कर रहे हैं कि हम 200 दे रहे हैं, तो देखो जब तक 100 देंगे तब तक क्या है, तब तक वो ओवर कंसोलिडेटेड है, ठीक है, 100 के लिए क्या है ओवर कंसोलिडेटेड, बाकी 100 के लिए क्या है नॉर्मल कंसोलिडेटेड, तो जब तक 100 है तब तक वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, इस तरीके का कॉन्वेक्स आपका ग्राफ बनेगा। और जब हम इसको लॉगरिथम स्केल पे, लॉग स्केल है, लॉग स्केल पे जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस दिखाते हैं तो जो ये ओवर कंसोलिडेटेड का है, ठीक है, ये ओवर कंसोलिडेटेड है, और जब हम नॉर्मल कंसोलिडेटेड का बनाएंगे तो लॉगरिथम स्केल पर वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का बना, ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का बना, ओके। तो इस तरीके से हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक मतलब एक ही ग्राफ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। नाउ एक रेशियो होता है ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओ सी आर, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। अब ये क्या है ओ सी आर, क्या होता है ओ सी आर, इज नथिंग बस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट अपॉन में मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट, ठीक है। मैक्सिमम जो आपने इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस पास्ट में दिया था अपॉन में मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो OCR, OCR, ठीक है, किसके लिए, फॉर OCR किसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट वाला क्या है, पास्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, ठीक है, हमेशा अगर ये ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात की जा रही है, तो इसका मतलब अगर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करो तो OCR ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर मैं OCR की बात कर रही हूँ नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि प्रेजेंट वाला क्या है, प्रेजेंट वाला लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि प्रेजेंट वाला हमेशा बड़ा रहेगा, नॉर्मल कंसोलिडेटेड में तो प्रेजेंट ही बड़ा होगा, पास्ट में तो कुछ लग ही नहीं रहा था, ठीक है, पास्ट में तो कुछ लग ही नहीं रहा था, ओके। नाउ वी हैव मल्टी स्टेज साइक्लिक लोडिंग ग्राफ, ठीक है, इसके बाद अपने पास मल्टी स्टेज साइक्लिक लोडिंग ग्राफ है वो देख लेते हैं। मल्टी स्टेज साइक्लिक लोडिंग ग्राफ क्या होता है, अगेन वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, जो भी आप कंसोलिडेशन का ग्राफ बनाओगे वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस ही बनाओगे, ठीक है। तो अब जब देखो सॉइल है, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल कंसोलिडेटेड है, नॉर्मल कंसोलिडेटेड है तो इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से नहीं बनेगा, सॉरी नॉर्मल कंसोलिडेटेड तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बना। उसके बाद जैसे आपने क्या किया उसको मतलब अपना जो सॉइल आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके कंसोलिडेट कर दिया, उसके बाद जब आपने मतलब लोड हटाया तो ये ग्राफ क्या हुआ, रीबाउंड हुआ,
ठीक है, ग्राफ क्या हुआ, रीबाउंड हुआ, स्ट्रेट ही रीबाउंड होगा, रीबाउंड हुआ, ठीक है। रीबाउंड मतलब क्या होता है, जब भी आप मतलब आपने कुछ मैकेनिकल लोड लगाया है, लेकिन जैसे आप मैकेनिकल लोड हटाते हैं तो वो जो एयर है फिर से कुछ ना कुछ आई जाती है, तो रिबाउंड कर्व इस तरीके से बनेगा, तब वॉइड फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है। वॉइड पहले यहाँ से ई नॉट से वॉइड जब अपने इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाया तो वॉइड कम हुए, लेकिन जब रिबाउंड करेगा तो वॉइड क्या है, बढ़ जाएंगे, ठीक है, वर्ड क्या है, बढ़ जाएंगे। तो अभी तक ये नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल था, नॉर्मल कंसोलिडेटेड, ठीक है। अब उसके बाद आप दोबारा से इसके ऊपर लोड लगाओगे तो रिकम्प्रेसिव कर्व बनेगा, ठीक है, रिकम्प्रेशन कर्व बनेगा, क्या बनेगा, रिकम्प्रेशन कर्व, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, रिकम्प्रेशन कर्व बना, ठीक है। और ये क्या था, रीबाउंड कर्व, दिस इज रीबाउंड कर्व, ठीक है, रिबाउंड कर्व। ओके, तो ये है सीसी यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन हम निकाल सकते हैं अनडिस्टर्ब क्ले सॉइल विथ मीडियम सेंसिटिविटी। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से है सारे, ठीक है। तो इन अनडिस्टर्ब क्ले चाहिए, अनडिस्टर्ब क्ले ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी, ठीक है, मीडियम सेंसिटिविटी का अनडिस्टर्ब क्ले चाहिए। तो सी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकाल सकते हैं हम, 0.009, और ये क्या होगा, 0.009 इज ब्रैकेट में डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल क्या है, लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस 10, लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। वैसे यहाँ पर फॉर रीमॉडरेट सॉइल, फॉर मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, मीडियम टू लो सेंसिटिविटी के लिए क्या है, सी सी 0.07 लिक्विड लिमिट माइनस 10, ठीक है। और जब हमें वाटर कंटेंट गिवन हो, वाटर कंटेंट हमें पता हो, तो हम कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन निकाल सकते हैं 0.115 इंटू वाटर कंटेंट, ओके। ओके, तो नेक्स्ट है तर्जागीस वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। इसके इस थ्योरी के मतलब अंतर्गत इस थ्योरी के अंदर तर्जागी ने एक सॉइल सैंपल लिया, दिस इज दी डेप्थ, इसको कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ दी, या फिर आप इसको हाइट कह दोगे, हाइट है, हाइट ऑफ दी सॉइल सैंपल, ठीक है, हाइट ऑफ दी सॉइल सैंपल। और इसके ऊपर जब आप कुछ लोड लगाते हो, मैकेनिकल लोड लगाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर जो पोर वाटर प्रेशर होगा, वो पोर वाटर जो होगा, सॉरी पोर वाटर क्या होगा, वो रिलीज होने की कोशिश करेगा ना, रिलीज होगा तो वो इस डायरेक्शन में भी जाता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, मतलब इन एनी डायरेक्शन को जा सकता है। बट तर्जागी की वन डायमेंशनल थ्योरी के हिसाब से पानी जब रिलीज होगा तो वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वो ऊपर भी मूव कर सकता है, वो नीचे भी मूव कर सकता है, या फिर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि कैसे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो एक ही ऊपर मूव कर सकता है, नीचे मूव कर सकता है, वो दोनों डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वो एक डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एच नॉट है, दिस इज द इनिशियल जो थिकनेस है, इनिशियल थिकनेस है, ठीक है। नाउ जो इसके वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी है, इसके अंतर्गत हमें डी निकालना होता है, डी क्या है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, ठीक है, ड्रेनेज पार्ट, यानी कहाँ से पानी, पोर वाटर प्रेशर कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो देखो जब मतलब जब आपका वन डायमेंशनल में सिर्फ एक ही पोर्शन से पानी रिलीज, मतलब ऊपर या नीचे से एक ही जगह से, वो कैसे रिलीज होगा, जहाँ से आप पोर वाटर, सॉरी जहाँ पे आप पोरस, ये पूरा जो आपका सैंपल है इसको आप पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, तो कहाँ से, सॉरी पानी रिलीज कैसे होगा, पानी रिलीज वहां से होगा जहां पर आपने क्या लगा रखा हो, जहाँ पे आपने पोरस प्लेट लगा रखी हो। तो अगर आपने सिर्फ नीचे की तरफ पोरस प्लेट लगा रखे, तो पानी जो सारा है वो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज होगा, तो उस टाइम जो ड्रेनेज पार्ट हो जाए, पाथ होगा, वो एच नॉट होगा, ठीक है। अगर सपोज करो आपने यहाँ ऊपर ऊपर और नीचे दोनों जगह पोरस प्लेट लगा रखी है, तो ड्रेनेज पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर से भी रिलीज हो रहा है पानी, नीचे से रिलीज हो रहा है, तो ड्रेनेज पार्ट हाफ हो जाएगा, एच नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है, एच नॉट बाई टू हो जाएगा। ये डबल ड्रेनेज है और ये सिंगल ड्रेनेज है, ओके, डबल ड्रेनेज एंड दिस इज सिंगल ड्रेनेज। नाउ ड्रेनेज तो हो गया, नाउ डेल यू बाय डेल टी, ये क्या है, डेल यू क्या है, डेल यू बाय डेल टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर, रेट ऑफ यू क्या है, यू क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में पोर वाटर प्रेशर का चेंज,
टाइम के रिस्पेक्ट में पोर वाटर प्रेशर का चेंज क्या है, सीवी सीवी डॉट डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल टी का स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका, दिस इज व्हाट ये है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन पोर वाटर प्रेशर इनिशियल, पोर वाटर प्रेशर इनिशियल क्या होगा, इस बराबर टू इफेक्टिव स्ट्रेस जितना भी है, ठीक है, डेल्टा ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें इसके अंदर टाइम कितना लगेगा, जीरो, ठीक है। और पोर वाटर प्रेशर फाइनल वो क्या होगा, जीरो, पोर वाटर प्रेशर फाइनल इज जीरो और इसमें टाइम कितना लगेगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर रिलीज होने में, सॉइल का पोर वाटर प्रेशर रिलीज होने में इन्फिनिटी टाइम लगता है, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम लगता है, ओके। अच्छा, उसके बीच में सीवी क्या थी, सीवी व्हाट इज सीवी, सीवी इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सीवी इज क्या, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, नया कोफिशिएंट आ गया सीवी, ठीक है, सीवी। तो ये क्या होगा, के, के इज व्हाट, परमेबिलिटी गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू एमवी, एमवी क्या होता है, एक और कोफिशिएंट आ गया, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। अब वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी क्या होता है, एमवी होता है एवी अपॉन में वन प्लस वॉइड रेशो, ठीक है, मतलब ई नॉट वॉइड रेशो ई नॉट, ठीक है। नाउ एवी मैंने आपको पहले बताया था, क्या था, डेल ई माइनस डेल इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ओके, तो नाउ यहाँ पे देखो, इधर एमवी की यूनिट देखनी है अभी आपने, तो यूनिट यहाँ पे किसकी यूज होगी, एवी की, बिकॉज वॉइड रेशो की कोई यूनिट नहीं रहती, ठीक है, वॉइड रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, तो एवी की यूनिट कितनी होती है, ये है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ओके। एवी भी क्या था, एवी था माइनस डेल ई अपॉन में डेल इफेक्टिव स्ट्रेस, ये भी एम मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन, ओके। नाउ के क्या था, कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी परमेबिलिटी किस में मेजर होती है, मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंगली सीवी की वैल्यू क्या हो गई, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, सीवी की वैल्यू क्या हो गई, यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ओके, और एक और बच रहा है आपका कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है, क्या है कंप्रेशन इंडेक्स, सीवी कंप्रेशन इंडेक्स क्या था, सीसी, इसकी जो है ये होता है 1/mv, ठीक है, 1/mv, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।